ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद लगातार एक सवाल उठ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या टी20 वर्ल्ड कप में भी हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। वेल, इस पर अब दिग्गजों ने अपनी राय रखी है। वसीम अकरम और गौतम गंभीर ने अपनी जो राय है वो शेयर की है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। वसीम अकरम का कहना है कि वे यकीनन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही प्लेयर्स को टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही दिग्गजों में क्रिकेट बहुत बाकी है। जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट था उसमें हमने देखा कि दोनों ही प्लेयर्स के अंदर रनों की कितनी भूख है, और फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप में 5 से 6 महीने का समय अभी बाकी है। तो वसीम अकरम का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही दिग्गजों को टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। एक अनुभव की ज़रूरत होती है टीम को, और रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास वो अनुभव है टी20 क्रिकेट खेलने का। वो चाहेंगे कि दोनों ही प्लेयर्स टी20 वर्ल्ड कप खेले। इसके अलावा गौतम गंभीर ने भी ये कहा है कि वे रोहित शर्मा को बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि यकीनन हमने हार्दिक पांड्या को पिछले कुछ समय में भारत की टी20 टीम को लीड करते हुए देखा है, लेकिन वे चाहेंगे कि रोहित शर्मा ही टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को लीड करते हुए नजर आए। इस तरह से गौतम गंभीर ने अपना टेक शेयर किया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोहली को भी वे टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहेंगे। गौतम गंभीर ने एक चीज़ और भी यहाँ पर स्पष्ट की है कि जिस तरह से रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को लीड किया, जो कैंपेन रहा भारत का उसमें जिस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने टीम को लीड किया, और इसके अलावा जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में की, उसे देखते हुए वे चाहते हैं कि बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में हमें खेलते हुए नजर आए। वेल, आपकी क्या राय है और दोनों ही दिग्गजों के इन टेक्स से आप कितना सहमत हैं? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, एंड अदर स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी।